यह है विघ्नहर्ता का GSM ऑटो डायलर मॉडल नंबर 4010। इसका हम आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। यह है डाटा शीट। यह है GSM का यूजर मैनुअल और यह है आपका ऑटो डायलर मॉडल नंबर AD4010 और उसके साथ उसको फिक्स करने के लिए स्क्रू और उसका एंटीना दिया है। GSM ऑटो डायलर का सीरियल नंबर आपकी बॉक्स के साथ मैच होना चाहिए। अभी हम यहाँ पे एक पैनिक स्विच और एक्सटर्नल सायरन कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम 9 नंबर पे सायरन का एक पॉइंट मतलब पॉजिटिव और दूसरा पॉइंट 2 नंबर पे से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद मेन सप्लाई है उसका एक नेगेटिव पॉइंट जो होता है ग्राउंड वो 2 नंबर पे देंगे और 1 नंबर और 10 नंबर हम कॉमन सप्लाई पर रखेंगे। 1 नंबर और 10 नंबर कॉमन सप्लाई पे जाएगा। यहाँ पे हम 12 होल का या 24 होल का भी सप्लाई दे सकते हैं। 10 नंबर पे सप्लाई गया। 10 नंबर हाँ तो जब वो सप्लाई देगा जब वो सेंसर रिले ऑपरेट होगा तो NO का NC हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 3 और 4 नंबर पे पैनिक स्विच कनेक्ट करेंगे। 3 नंबर पे उसका मिक्स कौन जाएगा। ओके। अब इस तरह हम यहाँ पे पैनिक स्विच और सायरन पैनिक स्विच 3 और 4 नंबर पे सायरन यहाँ पे 9 और 2 नंबर पे लग चुका है। 10 नंबर और 1 नंबर कॉमन सप्लाई है। GSM ऑटो डायलर को हमने अभी ऑन किया है। ये इसकी रेंज दिखा रही है। जैसे हम पैनिक स्विच को प्रेस करके रखते हैं तो इनपुट एलईडी और आउटपुट एलईडी ग्लो होती है। अब यहाँ पे जो सायरन है वो आउटपुट देगा मतलब सायरन बजेगा। अब हम इसका पावर कट करेंगे और ये फिर से रिसेट हो जाएगा। अभी हम इसको डिफॉल्ट कैसे करते हैं ये देखेंगे। डिफॉल्ट करने के लिए हमें SW स्विच वहाँ पे एक जंपर मिलेगी उस जंपर को निकालना है और फिर से उस जंपर में शॉर्ट करना है उस जंपर से। उसके बाद मेन सप्लाई जो है उसको स्टार्ट करना है। उसके बाद यहाँ इस तरह का इंटरफेस आएगा। पहले आउटपुट की 2 एलईडी लगेगी उसके बाद इनपुट की एलईडी होते हुए टावर से होते हुए ऊपर जाएगी। ऐसा सीक्वेंस चलता रहेगा कुछ सेकंड तक। उसके बाद ये डिफॉल्ट हो चुका है। अभी उसकी पावर हम कट करेंगे।
और वो इस तरह डिफॉल्ट हो चुका है। अभी हम यहाँ पे इसमें ऑथेंटिकेशन नंबर ऐड करेंगे। इसके लिए हमें एक कमांड सेंड करनी होती है, ये जो कमांड है जेएसएम ऑटोडॉक के यूज़र मैनुअल में मिलेगी। उसके बाद हम रीड करने के लिए ऑथेंटिकेशन नंबर, उसके लिए भी एक कमांड है। उसके बाद हम रिपोर्टिंग नंबर्स ऐड करेंगे, उसके लिए हमें #1231# कंट्री कोड, उसके बाद नंबर और उसके बाद स्टार लगा के मैसेज को सेंड करना है। अगर आपको मल्टीपल नंबर्स ऐड करने हैं तो हैच लगा के अगला नंबर उसमें टाइप करना है और इन नंबर के बाद स्टार लगा के उसको सेंड करना है। सेम प्रोसीजर आपको सेकेंड रिकॉर्डिंग वॉइस रिकॉर्डिंग करने के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चार वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए आपको #123VR1* इस कमांड को सेंड करना है। उसके बाद ऑटो डायलर से कॉल आएगा, उसके बाद आपको 25 सेकंड तक वॉइस रिकॉर्ड करना है। उसके बाद वो कॉल अपने आप कट हो जाएगा। देन आपको वो वॉइस सुनने के लिए #123VP1* ये कमांड सेंड करनी है। तो टेक्स्ट मैसेज के लिए #123M1# और स्टार ये मैसेज आपको सेंड करना है। ये चार इनपुट के लिए चार अलग अलग मैसेज आपको यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैसेज रीड करने के लिए #123RM1* यूज कर सकते हैं। NC और NO के स्टेटस इनपुट सेट करने के लिए #1234#111 और #1234
H000*, और NO कमांड सेंड कर सकते हैं। इस तरह आप यूजर मैनुअल को रेफर करके आगे के कमांड्स सेंड करके कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं।